बीजेपी 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारियों को धार देने में लगी हुई है और इसे लेकर बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन पर मंथन लगातार चल रहा है। अब आपको बता दें कि कल पार्टी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। अब बैठक में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सीटों पर चर्चा हुई है और बीजेपी कोटे की बची हुई 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया है। रायबरेली सीट से इस बार पार्टी मेनका गांधी को टिकट दे सकती है, वहीं कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। बात कर लेते हैं वरुण गांधी की, तो बरेली से वरुण गांधी और बरेली से संतोष गंगवार का भी टिकट कट सकता है। यूपी में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी चुनावी रणनीति तैयार करने से लेकर उम्मीदवारों के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हरियाणा की 3 सीटों पर भी चर्चा की गई है और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी सोनीपत से इस बार योगेश्वर दत्त को मौका देना चाह रही है। सोनीपत सीट बीजेपी ने एक्टर रणदीप हुड्डा को ऑफर की है, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। ऐसे में अगर रणदीप हुड्डा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी मौजूदा सांसद को ही टिकट दे सकती है। वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल को मैदान में उतारने जा रही है और यूपी में बीजेपी पार्टी के बड़े नेता और सांसद वरुण गांधी, रीता बहुगुणा जोशी, मेनका गांधी, ब्रजभूषण शरण सिंह, जनरल वीके सिंह, संतोष गंगवार, रमापति राम त्रिपाठी, संघमित्रा मौर्य और सत्यदेव पचौरी के टिकट कटने के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि इन सीटों पर सांसदों के समर्थक अपने अपने तर्क दे रहे हैं। उनका मानना है कि सांसदों को टिकट बंटवारे में देरी का फायदा मिलेगा। कुछ नेता सीटों पर टिकटों में कोई बदलाव न होने का दावा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र नवीस और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित इन प्रदेशों के कोर कमेटी के अन्य महत्वपूर्ण नेता राज्यवार अलग अलग हुई बैठक में शामिल हुए कोर ग्रुप की बैठक में। और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में यूपी की 51 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 20 सीटों पर, राजस्थान में 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। वहीं पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र में 20 और हरियाणा 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। अब पार्टी ने पहली लिस्ट में गुजरात से 15 और दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इन राज्यों की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अब अंतिम मुहर लगनी बाकी है। वहीं ओडिशा की बात की जाए तो इस राज्य में बीजू जनता दल के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। दोनों दल कई दिनों पहले ही सैद्धांतिक तौर पर साथ आने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत अभी चल रही है। तो आज क्या तीसरी लिस्ट आ जाती है और तीसरी लिस्ट में किन दिग्गजों के नाम शामिल होंगे, किन का पत्ता कट सकता है, इससे जुड़ी हुई कई विश्लेषण वाली रिपोर्ट्स हम आपको लगातार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।